चोरी की डिग्रियों से सैकड़ों गर्भवती महिलाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ का एक बड़ा मामला सामने आया है। चूरू के सरदार शहर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से यह फर्जीवाड़ा शुरू हुआ था। मामला उजागर होने के बाद भी चिकित्सा विभाग को फर्जी डॉक्टर का नाम पता नहीं था। सोनोग्राफी जैसे गंभीर मामले में भी चिकित्सा विभाग लीपापोती करता रहा। असली डॉक्टर का पता चलने के बाद पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। पीसीपीएनडीटी अधिनियम जैसे सख्त कानून के चलते कहीं ना कहीं विगत कुछ वर्षों में कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाई जा सकी है, लेकिन आज भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इतने गंभीर मामले को हल्के में लेते हैं या फिर लापरवाही बढ़ाते हैं, जिससे सोनोग्राफी भी जैसे बड़े मामले में बड़ा हेरफेर हो रहा है। सरदार शहर के राजकीय अस्पताल के पीछे स्थित शेखावाटी डायग्नोस्टिक सेंटर में फर्जी तरीके से एक फर्जी डॉक्टर 10 दिनों तक गर्भवती महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता रहा। फर्जी डॉक्टर का फर्जीवाड़ा इतना बड़ा था कि जिसको सुनकर आपका भी सर चकरा जाएगा। सोनोग्राफी सेंटर में वहां पे एक डॉक्टर कोई प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी अजमेरा को डॉक्टर हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करवाए गए थे। उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसको सोनोग्राफी सेंटर को परमिशन दिया गया। उसी डॉक्टर द्वारा मेरे को द्वारा कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट हैं वो संस्थान द्वारा मेरी जानकारी के बगैर यूज किए जा रहे हैं, उसके चलते उस सेंटर को सीज किया गया है। सर, डॉक्टर अजमेरा का आरोप ये है कि मुझे पता नहीं मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ से आई, ना इनकी कोई जांच की गई, सीधे मेरे बगैर किसी ने जो ये कार्रवाई की। डॉक्टर अजमेरा का आरोप है, डॉक्टर अजमेरा के डॉक्यूमेंट्स कैसे उन्होंने किसी को इस तरीके से कैसे दे दिए। डॉक्टर अजमेरा की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जी, डॉक्टर अजमेरा एज ए रेस्पॉन्सिबल अगर जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि ऐसे ऐसे वो अपने डॉक्यूमेंट्स किन किन को दे के रखे हुए हैं। शेखावाटी डायग्नोस्टिक सेंटर की हमें शिकायत मिली थी कि वहाँ ये कोई फर्जी डॉक्टर रख रखा है, डॉक्टर प्रवीण अजमेरा के नाम पर, जिसकी जांच करने के लिए हम यहाँ आए हैं, हमारी टीम आई है। लेकिन दिनांक 15/1/2024 को ही अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चूरू द्वारा सेंटर को सील करके कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। आपकी जाँच में क्या कुछ पाया गया? नहीं, रिकॉर्ड वगैरह सारा जब्त कर लिया उन्होंने और उन्हें वही जांच कर रहे हैं। इस पे हमें पता चला था, उस डॉक्टर ने कंप्लेंट की, किसी ने मेरा फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर और ये रन कर रहा है सेंटर, तो उस पर चेक कर और जो व्यक्ति कर रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई करी है, उस सेंटर को सीज किया है अभी, और फर्दर जो कार्रवाई है पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत की जाएगी। मैम, इसके अंदर काफ़ी बड़ा जो फर्जीवाड़ा है वो कहा जा सकता है, क्योंकि बिना डॉक्टर के और वहाँ पे सोनोग्राफी हो रही थी जो कि लिंगानुपात को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती थी। जी बिल्कुल, पीसीपीएनडीटी के तहत ही इस पर कार्रवाई की है। और इस तरह के जो मामले हैं अगर नहीं रोके गए तो ये वाकई एक भ्रूण हत्या वाला कार्यक्रम हो जाता है, और क्योंकि वो डॉक्टर भी नहीं है तो उसको कोई ज़्यादा डर भी नहीं होता इस तरह का, तो इस पर बहुत अच्छे से कार्रवाई की जाएगी और आगे जहाँ तक भी इसकी कार्रवाई होनी है वो की जाएगी, इंश्योर किया जाएगा। अभी अनफॉर्चुनेट बात सुनी दिया है, जो शेखावाटी डायग्नोस्टिक सेंटर है वो आमिर खान और लतीफ खान दोनों भी चलाते हैं, वो सरदार शहर टाउन में है, चूरू के डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसमें क्या क्या है, ये लोग ने अपने पेपर्स, मेरे जो बायोडाटा पेपर्स, मेरा जो आधार कार्ड, मेरे जो डिग्री सर्टिफिकेट्स, राजस्थान मेडिकल रजिस्ट्रेशन, ये सब वो लोग चुरा के या कोई कंसल्टेंट दिया है या कोई डॉक्टर दिया है, क्या ओल्ड वर्किंग प्लेस से ये लिए हैं, इसका प्रूफ मेरे पास है ही नहीं। ये जो सीएमएचओ ऑफिस चुरू में सबमिट करके ऑर्डर ले लिए हैं, उसके बाद एक फर्जी डॉक्टर को वहाँ बिठा के 300 से 400 केस स्कैनिंग करवा दिए हैं।